सांस टी में आप सभी का स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्यार मोहब्बत का संदेश देने वाली भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा गुरुवार देर रात हुई हिंसक वारदात के पीछे प्रशासन की चूक मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये चूक स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि जाँच के बाद दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पता चला है कि अफसरों ने स्थिति का सही आंकलन किए बगैर पुलिस जवाहर बाग भेज दी, जिसकी वजह से दो पुलिस अधिकारियों समेत कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से मथुरा की घटना की रिपोर्ट तलब कर ली है। मथुरा के जवाहर बाग में पूरी नहीं होने वाली मांग की आड़ में सत्याग्रह कर रहे लोगों और पुलिस की फायरिंग में पुलिस अधीक्षक मुकुल द्विवेदी और फरहत के थानाध्यक्ष संतोष यादव शहीद हो गए, जबकि एक महिला समेत 22 कथित सत्याग्रही भी मारे गए। इस तरह इस घटना में 24 लोगों की जाने गई। राज्य के पुलिस महानिदेशक जावेद अहमद ने बताया कि सिलसिले में 124 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कहना है कि कथित सत्याग्रहों में मारे गए 22 लोगों में से 11 की आंख से झुलसकर मृत्यु हुई है। अपने टेंटों में सत्याग्रहियों ने स्वयं आग लगाई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस गुरुवार को सिर्फ स्थितियों का आकलन करने गई थी। कब्जेदारों पर कार्रवाई तो तय थी, लेकिन 2-3 दिन बाद 1 रुपये में 60 लीटर डीजल, 1 रुपये में 40 लीटर पेट्रोल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव रद्द किए जाने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से मुद्रा चलाने जैसी अजीबोगरीब मांग कर रहे थे। कथित सत्याग्रही उद्यान विभाग के करीब 280 एकड़ भूमि जवाहर बाग में 2.5 वर्ष से कब्जा जमाए बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज यहाँ अफगान भारत मैत्री बांध का उद्घाटन करके इलाकों के लोगों का 3 दशक पुराना सपना साकार कर दिया। मोदी और गनी ने हेरात में गाकी अमंतुल्ला खान हाल में रिमोट कंट्रोल से यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर बने इस बांध को अफगान जनता को समर्पित किया। अफगान राष्ट्रपति ने इसके लिए भारत का आभार जताते हुए कहा कि भारत की मदद से यहाँ की जनता का 30 साल पुराना सपना साकार हो गया। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती ने एक नए युग में प्रवेश किया है। इस बांध से सहयोग और समृद्धि की नई इबारत शुरू होगी। मोदी ने गनी भावना पर कृतज्ञता जताते हुए कहा कि बांध न केवल इस क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए है, बल्कि अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर लोगों की आशाओं को फिर से जगाना है। मोदी को अफगानिस्तान के वरिष्ठ नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। अफगान राष्ट्रपति ने मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि आपका आपके दूसरे घर में स्वागत है। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच विकास साझेदारी की दृढ़ता को रेखांकित करते हुए कहा कि अफगान लोगों के बीच हिंदुस्तान की पहचान सड़कों, बांधों और 200 से अधिक छोटी विकास परियोजनाओं से है। मोदी ने कहा कि आज हम आपके साथ अफगान लोगों के समृद्ध भविष्य के संकल्प का सम्मान करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि बांध कोई ईंट और गारे से नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती के प्रति आपके भरोसे तथा अफगान और हिंदुस्तान की बहादुरी से बना है। उन्होंने कहा कि इस बांध से करीब 2.5 लाख घरों में रोशनी ही नहीं, बल्कि उनसे अफगानिस्तान के बेहतर और उज्जवल भविष्य की आशा भी जागेगी। राष्ट्रीय संत और गौ सेवा मिशन के परमाध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज भूरी वाले के अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में नंगल शहर से लापता हो जाने का मामला सामने आया है। राजमार्ग के किनारे बने कुष्ठ आश्रम के पास कतरात से नहर किनारे स्वामी कृष्णानंद जी की गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन स्वामी जी का वहां न मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि स्वामी कृष्णानंद जी सैला खुर्द में आयोजित होने वाली कथा में जाने वाले थे, लेकिन उनके अचानक लापता हो जाने की घटना को यहाँ एक और लोग अपहरण से जुड़ा मामला बता रहे हैं। वहीं कई लोग उनके द्वारा नहर में छलांग लगा देने की आशंका भी जता रहे हैं। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल को मिलते ही उन्होंने भी तुरंत मौके पर पहुँच प्रशासन को गहनता से जाँच करने के दिशा निर्देश दिए। उनकी ओर से जानकारी तुरंत मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल तक भी पहुंचाई गई। उनके श्रद्धालु और स्थानीय लोग जहां इसे प्रशासन की कथित लापरवाही से जुड़ा मामला बता रहे हैं, वहीं घटना की जानकारी पंजाब गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष कीमती भगत को मिलते ही वे भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर मौजूद DSP संत सिंह धालीवाल और SDM अमरजीत सिंह बैंस को उन्होंने बताया कि मामला यकीनन हत्या का हो सकता है। अत्यंत दुख दी खबर है कि आदरणीय पूजनीय स्वामी कृष्णानंद जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ सेवा मिशन, जो पंजाब दे विच नहीं पूरे देश दे विच गौ धन की सेवा संभाल सुरक्षा वास्ते उन्होंने बड़े वड्डे वड्डे फैसले कीते ते करवाए। कल रात अचानक चांदपुर उड़की तू उन्हां दा
आना और इस नंगल दे डैम दे नजदीक अज उन्हां दी गड्डी मिली है, गड्डी दे विच चप्पलां मिलियां ने। मैं समझना वो बड़े दृष्टि वाले दया दृष्टि वाले सन सी, आत्महत्या नहीं हो कर सकते। इसका किसी भी दुष्ट ने उन्हां दा मर्डर किया, क्योंकि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी गौ माता की सेवा संभाल वास्ते उन्होंने देश विच बड़ा वड्डा काम किया और उहदे नाल पंजाब की पावन ते पुत्र धरती के जिहड़े बूचड़खाने लग रहे सी उन्हां दा महाराज जी वल्लों बहुत वड्डा वड्डे पद्धर ते उन्होंने विरोध किया। एसडीएम अमरजीत बैंस और डीएसपी संत धालीवाल ने बताया कि बीते कल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने उन्हें खुद फोन करके आज सुबह डिप्टी कमिश्नर एसडीएम और उनके विभाग से जुड़े अनधिकारियों के साथ गोरक्षा के संबंध में बैठक करने के लिए कहा था। वे सुबह से ही बीनेवाल स्थित उनके आश्रम में तमाम अधिकारियों के साथ पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं बताया कि स्वामी जी रात से ही लापता हैं। हैरानी जताते कीमती भगत सिंह ये भी कहा कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है कि रात से ही एक प्रतिष्ठित संत के नहर किनारे लावारिस खड़ी गाड़ी के संबंध में कोई पूछताछ तक नहीं की गई। उन्होंने दृढ़ शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज किसी भी सूरत में आत्महत्या नहीं कर सकते और ये मामला किसी बड़ी साजिश से जुड़ा माना जा सकता है। उधर इस बात की जानकारी स्वामी कृष्णानंद जी के भक्तों को लगते ही उन्होंने राजमार्ग पर दरियां बिछाकर जाम लगा दिया। देर शाम तक इस मामले को लेकर बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी धरनास्थल पर मौजूद थे। हर कड़ी को गंभीरता से जांचा जा रहा है। ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਬਜ਼ਾਰੋ ਖੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੀਨੇਵਾਲ ਗਊ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ, ਲੋਕਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਥਾਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਨੇਵਾਲ ਥਾਣਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੀਨੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਐਸ ਐਚ ਓ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣਗੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। संत रणजीत सिंह ढंडरिया वाले का पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सीबीआई जांच के लिए केस दायर करने वाले दो वकील भाइयों को धमकी मिली है। धमकियां मिलने के बाद फतेहगढ़ साहिब पुलिस द्वारा उन्हें दो सुरक्षा कर्मचारी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन वकीलों में जीपीएस घुमन तथा जीएस घुमन शामिल हैं। उन्होंने संपर्क करने पर बताया कि उन्हें फ़ोन तथा सोशल मीडिया दोनों पर धमकियाँ दी जा रही हैं। ये मामला उन्होंने कल पंजाब के एडीजीपी के ध्यान में ला दिया है, जिन्होंने उनकी सुरक्षा की समीक्षा करने का भरोसा दिया। संढंडरिया वालों पर पिछले दिनों लुधियाना के निकट हमला हुआ था, जिनमें उनके एक सहयोगी संत की मौत हो गई थी। श्री दरबार साहब में शुक्रवार को माथा टेकने गए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को ग्रंथि द्वारा सरोपाना देने पर जहां उसका तबादला कर दिया गया, वहीं मुख्यमंत्री बादल के बयान ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। दरअसल मुख्यमंत्री बादल ने पहली बार इस मामले पर बोलते हुए कहा कि उन्हें दरबार साहिब में किसी ने भी सरोपा देने से इनकार नहीं किया और वे सिर्फ वहाँ माथा टेकने गए थे, न कि सरोपा लेने। हालांकि अभी तक ऐसी खबरें चर्चा में हैं कि मुख्यमंत्री बादल को श्री दरबार साहिब के ग्रंथि बलबीर सिंह ने सरोपा देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उन्हें सिरोपा मिला है और इसके न मिलने की बात सिर्फ विरोधी पक्ष कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल तो ये उठता है कि यदि ग्रंथी बलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को सिरोपा देने से इनकार नहीं किया तो फिर प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ द्वारा उनका तबादला श्री माछीवाड़ा साहिब किस बात पर किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि यदि 10 दिनों के अंदर उन्होंने माछीवाड़ा साहिब में रिपोर्ट न किया तो उन्हें नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ इस मामले में ग्रंथी बलबीर सिंह का कहना है कि उन्होंने जितनी सेवा दरबार साहब में करनी थी अब वे माछीवाड़ा साहब में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये बात भी कही थी कि वे बादल सरकार के काम से खुश नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को सिरोपा नहीं दिया। अब इसके पीछे क्या सच है, ये एक पहेली बनकर रह गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा श्री मुक्तसर साहिब के गांव में किए जा रहे संगत दर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब संगत दर्शन में आए लोग आपस में झगड़ पड़े और चले लाते घुसे। देखते ही देखते पांडाल खाली हो गया। जानकारी के अनुसार गांव महना में मुख्यमंत्री संगत दर्शन के दौरान गाँव की मांगों के प्रति अभी बात ही कर रहे थे कि अचानक गाँव वासियों ने एक दूसरे पर लाते घूंसे चलाना शुरू कर दिया।
जब पंडाल खाली हो गया तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि इस गांव में बढ़ती गुटबाजी ने गांव के विकास पर ब्रेक लगा दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री संगत दर्शन बीच में ही छोड़कर चले गए। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीते दिनों राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को लेकर दिए बयान के उलट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद अंबिका सोनी ने कहा कि सोनिया गांधी थकी नहीं है, वह अब भी पूरी सक्रिय हैं। वह संसद में पूरी तैयारी से जाती हैं। वह पार्टी का नेतृत्व करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैप्टन अमरिंदर सोनिया गांधी पर दिए अपने पहले बयान को साफ कर चुके हैं कि उनके विचारों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी चाहे तो राहुल को अध्यक्ष पद सौंप सकती हैं। अंबिका सोनी ने कहा कि यूपीए 1 और 2 में सोनिया गांधी ने पार्टी नेतृत्व को पूरे सही तरीके से निभाया। आज भी वे आगे होकर पूरी सक्रियता से काम करती हैं। पूरी पार्टी की यही इच्छा है कि वे आगे भी पार्टी का नेतृत्व करती रहें। उचित समय पर राहुल गांधी भी अध्यक्ष बन सकते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ही पार्टी का चेहरा होंगे। प्रियंका को पार्टी में सक्रिय करने की मांग पर उन्होंने कहा कि बेशक पार्टी कार्यकर्ताओं की ये इच्छा है, लेकिन ये पारिवारिक मामला है। जबरदस्ती प्रियंका को पार्टी में नहीं लाया जा सकता। सोनी ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित करके सत्ता में वापस लाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी पार्टी चुनाव में विशेषज्ञों की सलाह लेती रही है। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब के गांवों को शहरों के बराबर सुविधाएं देने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपए से गांवों का स्वरूप बदला जाएगा और आगामी 5 वर्षों में गांवों को चहुमुखी विकास होगा। सुखबीर ने कहा कि स्वच्छ और सस्ती बिजली के लिए सौर ऊर्जा के प्लांटों की स्थापना पंजाब के लिए बहुत लाभप्रद है और इसके साथ ही किसानों को भी आर्थिक स्तर पर फायदा हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ की लागत से 1,000 गांव में सोलर लाइटें भी लगाई जा रही हैं। पंजाब सरकार द्वारा निकाली गई पंजाब पुलिस के कांस्टेबलों की रिक्तियों के सभी उम्मीदवारों का ड्रग टेस्ट होगा और इसके परिणामों से पता चल जाएगा कि पंजाब में कितने नशेड़ी हैं। इससे पूर्व सुखबीर ने कलियावाली में 201 करोड़ रुपए की लागत से 28 मेगावाट क्षमता की सोलर प्लांट का उद्घाटन किया, जहां वार्षिक 420 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी। चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक चालान कार्यालय में कैंटीन का अनावरण किया गया। चंडीगढ़ पुलिस के आईजी तेजिंदर सिंह लूथरा ने इस कैंटीन की शुरुआत की। सैंक्रोलॉग सेक्टर 29 की इस ट्रैफिक चालान कार्यालय में चालान भरने के लिए यहाँ रोज़ाना आते हैं, पर उनके खाने पीने का कोई भी इंतज़ाम यहाँ पर नहीं है। इस कैंटीन में लोगों के लिए खाने पीने का सामान MRP पर उपलब्ध होगा। चंडीगढ़ के IG ने बताया कि रोज सैकड़ों लोग यहाँ अपने चालान भरने आते हैं। उनको और यहाँ के स्टाफ को खाने पीने की काफ़ी मुश्किलें होती थी। इसको देखते हुए हमने यहाँ कैंटीन का इंतज़ाम किया है। आशा है कि अब लोगों को इसका बहुत फ़ायदा होगा। सारे लोग आते हैं अपने चालान को भरने के लिए, तो उनके लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, तो ये सोचा गया कि उनके लिए कोई चाय पानी की व्यवस्था के लिए कोई अच्छी सी कैंटीन बनाई जाए, तो उसके लिए हमने यहाँ पर इंतज़ाम किया है, जिसका फ़ायदा यहाँ पर आने वाले लोगों को, पब्लिक को तो होगा ही होगा, प्लस यहाँ पर जो पुलिसकर्मी काम करते हैं उनको भी फ़ायदा होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चंडीगढ़ में आज विकलांगों के लिए रोजगार मेला लगाया गया। इस रोजगार मेले में बड़ी गिनती में दिव्यांग उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। भारत सरकार और CIA ने कुछ प्राइवेट कंपनियों के साथ तालमेल करके इस रोजगार मेले का आयोजन किया। इस रोजगार मेले में तकनीकी शिक्षा और दूसरे कई क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के स्वरोजगार मेले में तकरीबन 350 दिव्यांग लोगों को विभिन्न सरकारी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा रोजगार मिलेगा। रोजगार मेले का उद्घाटन पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल और चंडीगढ़ के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी ने किया। तो आज इंटरव्यू देना है अभी, तो गवर्नमेंट उसके लिए किया है अप्लाई, तो अभी रजिस्ट्रेशन कराया मैंने। जो ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, हाँ जी, क्या सबसे आप इससे संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल सर, क्योंकि अभी एक साथ इतने सारे हैंडीकैप कैंडिडेट हैं जो बेरोजगार थे, तो उनको आप एक साथ ही जॉब मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है थी, तो इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, एक के साथ सभी जने आ गए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन +2 है जी। बॉक्सिंग के पितामह मोहम्मद अली का अमेरिका में निधन, प्रशंसकों में शॉक की लहर।
बॉक्सिंग जगत के लीडर बॉक्सर मोहम्मद अली का अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे और पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उनका अमेरिका के फीनिक्स में इलाज चल रहा था। उनके परिवार ने मौत की पुष्टि कर दी है। पिछले 32 वर्षों से वे पार्किंसन बीमारी से ग्रसित थे। आजकल उनकी स्मरण शक्ति भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इसके बावजूद इसके वे राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने जब अमेरिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी तो मोहम्मद अली ने उनका विरोध किया था। मोहम्मद अली 3 बार विश्व हैवीवेट बॉक्सिंग के चैंपियन बने। उन्होंने कुल 61 फाइट किए जिनमें से 56 उन्होंने जीते। उन्होंने 1964, 1974 और 1978 में हैवीवेट चैंपियनशिप जीता था। इस्लाम स्वीकार करने से पूर्व उनका नाम कैसियस मर्सलास क्ले था। उनकी पुत्री लैला अली भी बॉक्सर है। हाल ही में सलीम खान ने ऐश्वर्या राय की जमकर तारीफ की थी। अब बात थोड़ी और आगे बढ़ गई है। इस बार ऐश्वर्या राय और सलमान खान के मम्मी पापा साथ में फिल्म देखने गए। इस शुक्रवार रिलीज हुई हाउसफुल 3 का स्पेशल शो फिल्मी सितारों के लिए रखा गया। इसमें कई दिग्गज शामिल हुए। सलमान खान के पिता सलीम खान भी फिल्म देखने पहुंचे और उनके साथ परिवार के दूसरे लोग भी। ऐश्वर्या भी फिल्म देखने आई थी। ऐश्वर्या के पति अभिषेक फिल्म में एक अहम किरदार में हैं। ऐसे में ऐश भी फिल्म के स्पेशल शो में पहुँची थी। हाउसफुल 3 देखने को सलीम खान तो थे ही, उनकी पत्नी हेलन भी मौजूद थी। अब ऐश्वर्या और सलमान के माँ पापा साथ थे तो फिर उन्होंने एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं किया। बताया जा रहा है कि तीनों ने साथ में ही फिल्म देखी और बातें भी खूब की। अभिषेक बच्चन भी अपनी फिल्म का स्पेशल शो देखने को पहुँचे। शिमला आए सैलानियों को आसपास के टूरिस्ट पॉइंटों की सैर करवाने के लिए प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने स्पेशल डीलक्स बसों का संचालन शुरू कर दिया। रोजाना पर्यटन निगम की 4 बसें सैलानियों को शिमला के आसपास के टूरिज्म पॉइंटों की सैर करवा रही हैं। 35 सीटर डीलक्स बसों में सुविधाजनक तरीके से सैलानी घूमने फिरने का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटन निगम की बसें शिमला चायल और शिमला नाला देहरा रूट पर चलाई जा रही हैं। शिमला चायल रूट में टूरिज्म पॉइंट साधुपल जुनगा कुफरी फागू कवर किए जा रहे हैं। शिमला नाले देहरा रूट में बल्देया और मशोबरा की सैर करवाई जा रही है। पर्यटन निगम की बसों में शिमला चायल रूट का किराया 300 रुपये प्रति सीट और नाल देहरा रूट का किराया 270 रुपये प्रति सीट निर्धारित किया गया है। रोजाना बसें आइस स्केटिंग रिंग लक्कड़ बाजार से 11 बजे रवाना होती हैं और शाम 6 से 7 बजे विक्ट्री टनल पर वापस पहुँचती हैं।